लोकसभा में कोरोना पर चर्चा का आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दे सकते हैं जवाब, कल तीखी बहस हुई थी। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क, कहा मास्क ना पहनने से दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन में 45 से 52 म्यूटेशन पाए गए, डेल्टा और बीटा से 5% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक, कर्नाटक में 2 केस सामने आए, एक शख्स स्थानीय डॉक्टर, दूसरा दक्षिण अफ्रीकी कारोबारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। हैदराबाद में ब्रिटेन से आई महिला कोरोना पॉजिटिव मिली, 35 साल की महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार है। गुजरात के जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। मुंबई एयरपोर्ट पर 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक जांच के नतीजे जारी, 9 विदेशी कोरोना संक्रमित मिले हैं, ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद दिल्ली में अलर्ट, मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन की दोनों डोज हो सकती है जरूरी, दिल्ली सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में। दिल्ली में गुरुवार को एयरपोर्ट पर 6 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं, इनमें 1 दक्षिण अफ्रीका से आया है, हालांकि इनकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नहीं आई है। कोरोना के खिलाफ शुरुआती दौर में 7 राज्यों में लगाई जाएगी जायडस कैडिला की वैक्सीन, जिन राज्यों में कम वैक्सीन हुई है वहीं लगेगा जायडस कैडिला का टीका। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे, मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। दिल्ली में बंगाल के बीजेपी सांसद सुबह 11:30 बजे संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, बंगाल के ताजा हालात के बारे में जानकारी देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ और गोरखपुर में दिखाएंगे दम, योगी गोरखपुर में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज आखिरी दिन, झांसी में निकालेंगे विजय संकल्प रथ यात्रा, पत्रकार वार्ता भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कल स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दिया था। ओमिक्रॉन संकट को लेकर दिल्ली के लिए एक बुरी खबर है, नीट काउंसलिंग में देरी को लेकर आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज सभी नियमित सेवाओं का बहिष्कार करें। दिल्ली में पंजाब के किसान संगठनों की सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक, 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए रणनीति पर चर्चा। उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं की सजा पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, सजा निलंबित की जाए या नहीं इस पर कोर्ट आदेश दे सकता है। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में कल भी जमकर हुआ बवाल, संसद के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन, सांसदों का निलंबन वापस लेने पर अड़ा है विपक्ष। राज्यसभा में हंगामे को लेकर सभापति वेंकैया नायडू का बयान, कहा 3 दिन से कोई काम नहीं हुआ, निलंबन को लेकर बाहर दिया जा रहा है गलत संदेश। ममता बनर्जी के यूपीए कहां है वाले बयान पर भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी की मदद के लिए ऐसे बयान दे रही है ममता, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस। ममता बनर्जी पर कांग्रेस का पलटवार जारी, सुरजेवाला ने कहा ममता भी मोदी की तरह पार्टी तोड़ रही है, कहीं फासीवादी सोच उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गई। चुनावी रणनीतिकार और ममता के करीबी प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला, कहा कांग्रेस 10 साल में 90% चुनाव हारी, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष नेता चुने। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, योगी राज में अपराध कम हुआ, गुंडे पलायन को मजबूर हुए।
यूपी के मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली में योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा युवाओं को रोजगार का इंतजार, बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया, कहा बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी, बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी। मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोली मायावती, कहा चुनाव में हार देख बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपने आखिरी हथकंडे पर उतरी। पीएम मोदी का मिशन यूपी, 11 दिसंबर को बलरामपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पठानकोट में निकाली तिरंगा यात्रा। पंजाब के पठानकोट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चौथी गारंटी का ऐलान, कहा पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। अरविंद केजरीवाल पर सीएम चन्नी का पलटवार, बोले मैं ऐलान जीत नहीं विश्वजीत हूं, विश्वास जीत हूं, सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर 1500 करोड़ के बिजली बिल भरने का दावा किया। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने पर अकाल तख्त के जत्थेदार का आरोप, कहा जेल जाने के डर से बीजेपी में शामिल हुए सिरसा, सुखबीर बादल ने बीजेपी पर लगाया आर्म ट्विस्टिंग का आरोप। पटना में गाड़ी रोकने पर पुलिस वालों पर भड़के मंत्री जीवेश मिश्रा, सामने से डीएम एसपी की गाड़ी निकलते देख और आग बबूला हुए, कहा अधिकारी के निलंबन तक नहीं जाऊंगा सदर। मुंबई के वर्सोवा में फ्लैट के बाथरूम में मिला अभिनेता ब्रह्म मिश्रा का शव, बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, वेब सीरीज मिर्जापुर में नजर आ चुके थे। महाराष्ट्र सरकार की मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई, अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किए, बिना डीजीपी ऑफिस से इजाजत लिए मुंबई नहीं छोड़ सकते, किसी निजी कंपनी के लिए काम भी नहीं कर पाएंगे। निलंबन के बाद एबीपी न्यूज से बोले परमवीर सिंह, मामला कोर्ट में है, जो बोलना होगा वही बोलूंगा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बुधवार को कश्मीर में मारे गए दो आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा, 40 किलोग्राम विस्फोटक की आईईडी बनाकर पुलवामा जैसे आतंकी हमले को देना चाहते थे अंजाम, आईएसआई और लश्कर कमांडरों के संपर्क में भी थे। जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने के फिराक में था पाकिस्तान, भारतीय सुरक्षा ने निपटने की पूरी तैयारी की, आधुनिक उपकरणों के साथ ड्रोन का भी लिया जा रहा है सहारा। हरियाणा के रोहतक में बड़ी वारदात, तीन बदमाशों ने गांव में घुसने से पहले रोकी डोली, दुल्हन को मारी ताबड़तोड़ गोलियां, वारदात से पहले लूटी व्यवसायी की नौबत कार। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, आज से सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया, कोर्ट ने बच्चों के स्कूल जाने पर उठाए थे सवाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा आपकी कथनी और करनी में फर्क है, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करना होगा युद्ध स्तर पर का। चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ABP News, आपको रखे आगे।